हे गाइस, क्या हो गया सारी फैमिली को? देखना तो बनता है ना गाइस, तो डरने की कोई बात नहीं। फनी वीडियो है, फन बहुत सारे होने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो पे। और चैनल पे अगर नए हैं फ्लाइंग काइट्स पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे हैं 10 और मेरी गुड मॉर्निंग हुई है अभी। उठते मुझे पता चला है कि शायद लॉकडाउन लग जाए और लेट उठती हूँ, क्योंकि हम लोग लेट सोते हैं। क्यों बहुत परेशान करके रखती है गाइस, तो रात भर जगाती है वो। उस चक्कर में ना नींद ही नहीं खुलती है। और पापा जी ने आज ब्रेकफास्ट बनाया है, तो आइए देखते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट उन्होंने बना रखा है और क्या हमें खाने को मिलता है। क्यों कर रहा है? एक्टिंग मिरर में देख के क्या कर रहा है किट्टू? एक्टिंग? हाँ, मिरर भी धोती है ये। आपने क्या ना धोती? इसने लिपस्टिक लगा ली। मासी ने है। मैं मासी नहीं, कौन हूँ मैं? अंकल हूँ मैं। वाओ, पापा जी के हाथ का नाश्ता मिलेगा सुबह सुबह। आइए दिखाते हैं क्या बना है। तो बहुत ही लाइट सा नाश्ता है, सूजी और दही का बैटर है। उसके ऊपर टॉपिंग्स आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो पापा जी मेरे लिए बना रहे हैं और हम सभी सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। 2-3 दिन तक करते हैं, फिर चेंज कर देते हैं हम लोग नाश्ता, क्योंकि डेली सेम नाश्ता अच्छा नहीं लगता गाइस। और ये किट्टू के लिए भी मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। उसका ग्लूटेन फ्री आटा है, उसमें दही मिक्स करके ना इसको भी मैं चीला काइंड बना के दूँगी, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है ये। अभी तो किट्टू की मासी उसे फ्रूट्स खिलाएगी, बाद में इसका नंबर आएगा, तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये पापा जी ने रेडी कर दिया है, तो ये कर लेते हैं हम अच्छा अच्छा सा ब्रेकफास्ट सभी मिलके। तो आइए दिखाती हूँ कि किस तरीके से यमी सा ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं। ये देखिए यार, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही यमी लग रहा है। चलिए किट्टू, ब्रेकफास्ट कर लो। किट्टू देखो, तो किट्टू ने फ्रूट्स खा लिए हैं। और ये देखिए, फिर कपड़े पे पानी गिरा लिया था, चेंज भी किया, फिर से गिरा लिया। और ये देखिए फ्रिज में क्या कर रही है ये रोज रोज ना नई शरारतें सीखती है और पूरा दिन वही करती है। तो वो जो बैटर बनाया था ना गाइस, वो किट्टू के चीले का था, और अभी वो बना रहे हैं पापा जी। शाम के बज गए 4 और अभी बना के खिला रही हूँ उसको मैं। ये देखिए, खुद ही जा रही है ये लेने कि मुझे दे दो। तो ये बन चुका है और मैं इसे खिलाने आई हूँ। आधा खाएगी आधा फेंकेगी, ठीक से नहीं खाया इसने, क्योंकि मुझे लगता है शायद इसे खट्टा लग रहा है, मैंने इसमें दही डाल दी थी। अब इसका दिमाग ना कैंडी पर चला गया, टॉफ़ी पर। तो ये देखिए पिंक कलर, यस यस, नो ब्लू कलर, नो ब्लू कलर, यस, गो बैक, ओके, वेरी गुड, टेक वन ओनली, ओके ओके, ओनली वन, व्हाट एवर कलर यू वांट, प्लीज टेक वन ओनली, ब्लू, देयर इज नो ब्लू, टेक ऑरेंज। Oh wow! You like it? Oh. No tutu, only one. No tutu. मैंने आपको पहले बोला था ना, take one only. चलो. Oh kittu, bad manners. One रख दो इसमें. हाँ, very good. दोनों रख दिया आपने. Hey, I'm India blue. Okay, blue. Then only one blue. Okay. Okay. Say thank you to mama. Thank you. So thank you, mama. Thank you, mama. Thank you. Welcome, मेरा बेबो. Welcome. Guys, पता नहीं क्यों किट्टू डोर पे बैठी है, और उसको एक्चुअली बहुत दिनों से हम घुमाने भी नहीं ले जा रहे ड्यू टू कोरोना। तो उसको बड़ा यकीन रहता है कि मुझे नीचे जाना है, इसलिए। और ये देखिए किट्टू, डोर पे क्यों बैठे हो आप? What is this? Oh wow, candy. Oh wow, candy. Oh, candy girl. बेटा सीजर से आपको नहीं कट करना, बूबू हो जाएगा आपको। Be careful, आप small हो ना, आपको सीजर से कट नहीं करना कुछ भी। अरे वाह, मामा ने ओपन कर दिया।
डोंट गो आउटसाइड, दादी को जाओ एंड टच मत करना, बी केयरफुल ओके, यू आर अ स्मॉल गर्ल ना, डोंट टच इट, जाओ हाँ बिग जब हो जाओगे फिर आप पे कट करना है, हाँ जाओ दादी को देख आओ, गुदू गर्ल है बाबू मेरा। आ रहा है कौन, आ रहा है कौन, आ रहा है, मम भी कह रही है ना अंदर आ जाओ, मम कह रही है ना अंदर आ जाओ, कम कौन आ गया, मम आ गई, क्या लेके आई मम, दादी। मेरी मॉम को लगा कि मैंने नाश्ता किया है या नहीं किया है, तो फटाफट मालपुआ बना के ले आई मेरे लिए, कुछ ना कुछ नया लाती रहती है नाश्ते में, या फिर लंच ही करा देती हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि उनका दिमाग शांत नहीं होता जब तक उनको ये नहीं लगता कि मैंने क्या खाया है क्या नहीं खाया, और किट्टू के लिए भी उतना ही परेशान होती है। सबने मास्क पहने हुए हैं, कालेपन से दूर, कालेपन से अपने आप को दूर भगाओ और घोड़ापन चेहरे। गाइज यहाँ पे हुआ यह है कि इन सबको मैंने उल्लू बनाया है बहुत बड़ा, इन सबको लग रहा है मास्क लगाने के बाद गोरे हो जाएंगे। ये हम सबका मास्क है और ये हमारी पाड़ी ओड़ी है। और लास्ट ईयर मिनीसो से मैं ये मास्क खरीद के लाई थी, बट मैंने अप्लाई किया था बट कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसको 2-3 बार हफ्ते में मैंने अप्लाई भी किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने एज इट इज़ इसको रख दिया। और अभी मैं अपने जो है मिरर की सफाई कर रही थी, उसके पीछे काफ़ी स्पेस है, तो वहाँ पे मैं ना डेकोर करके अच्छे से सामान रख रही थी, क्योंकि किट्टू ना नीचे मॉम के घर गई है तो अभी टाइम मिला था मुझे, तो इसी तरीके से मैं सफाई चल रही थी और मैंने ये देखा, तो मैंने इन सबको बोला कि आप ना ये लगाओ मास्क फेस पे, आपका फेस ना एकदम क्लीन नीट लगेगा लगाने के बाद। ये सारे उसी चक्कर में सब लगा के बैठे, मैंने नहीं लगाया, ये सारे ही लगा के बैठे, और ये देखो इन लोगों का हाल। और ये है वो मास्क, ये देखिए इतना छोटा सा है, इसको पानी में डिप करने से ना ये पूरा खुल जाता है पेपर की तरह, चारकोल मास्क है बेसिकली, तो इस चक्कर में मैंने इसे ले लिया था, एक वाइट वाला भी था तो मैंने चारकोल मास्क लिया, बट कोई असर नहीं होता गाइस इसका, आप लोग मत लेना कभी भी। अब देखिए मेरे चेहरे पे कितना ग्लो आ गया है, मुंह काला करके मुंह गोरा हो गया है, ये आप भी ट्राई कीजिए और अपने मुँह को गोरा कीजिए, अपने फेस को गोरा कीजिए, अपने फेस पे ग्लो लाइए और फिर डेट पे जाइए। मैंने मास्क नहीं लगाया, देखो काला कौवा कभी गोरा नहीं हो सकता। ये लगा के गोरा हो गया मैं, और इन सब का प्रोसेसिंग में अभी गोरा होना बहुत ही फनी टाइम था, सीरियसली इनको पता ही नहीं है क्या कह रही है, भूत का बच्चा, भूत का बच्चा, एक मोटा एक पतला, एक मोटा एक पतला, आवाज भी नहीं आ रही, भूत के पापा को देखो आवाज क्यों नहीं आ रही है, आवाज में प्रॉब्लम है कोई, ठंडा पानी पी लिया भाई, क्या करूं मैं, मर जाऊं, सही है मेरे कोई फीलिंग नहीं, भूतों की भी फीलिंग होती है। तो ये सारे टाइम पास कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखिए सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझे इस पे यकीन है, मेरे को शक नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं सबसे गोरा हूँ, ये सब काले मेरे से। सीरियसली गाइस इनको लग रहा है सचमुच फर्क पड़ा है। चलिए वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।